कटेंगे पर तेरे, फिर भी तेरी परवाज बोलेगी, तेरी खामोशी तेरी आवाज़ बोलेगी। कहाँ तक मिटा पाएंगे लोग तेरी हस्ती तेरा जज्बा, कहाँ तक मिटा पाएंगे लोग तेरी हस्ती तेरा जज्बा, ये मिट्टी तुझे जर्रे जर्रे में जाबाज बोलेगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूँ अखिलेश यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांस मैथ में अलजेब्रा यानी बीजगणित। आज इसका 6वां लेक्चर है, इसके पहले 5 लेक्चर हो चुका है। इस पर हम बेसिक से स्टार्ट किया, एकदम हाई लेवल के क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं कि आपका चाहे SSC CGL टीयर 2 का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे CHSL दीजिए, चाहे RRB ग्रुप डी NTPC कोई भी एग्ज़ाम दीजिए गवर्नमेंट की, जिसमें अलजेब्रा आती है बीजगणित, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो एकदम कंसंट्रेट होके समझिए, आज बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने शामिल किया है। देखिए, यदि x बराबर अंडर रूट a प्लस 1/ अंडर रूट a है और y बराबर अंडर रूट a माइनस 1/ अंडर रूट a है, तो पूछा x पावर 4 प्लस y के पावर 4 माइनस 2 x स्क्वायर y स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कुछ कि देखिए, एक x माइनस y का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू यक्स इंटू वाई, यही होता है ना, यक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर। तो वही क्रिया यहाँ पे देखिए सेम किया गया है, यक्स के पावर 4 किया गया, मतलब कि अभी देखेंगे यक्स का स्क्वायर किया गया और वाई के पावर यहाँ पे देखिए सेम 4 किया गया, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है और यहाँ पे 2x वाई है। तो देखिए ये फॉर्म कैसे बनेगा, ये बनेगा आपका यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये सूत्र बनेगा आपका। ये इसको अगर तोड़ेंगे तो यक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर के फॉर्म में ये टूटेगा सेम इसी की तरह, इसको हमने इस तरह लिखा है, ठीक। तो अब देखिए, आपको अब ये चीज़ पता चल गया होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, यही सूत्र होता है ना। अब सेम यही कर दीजिए और बाकी ये जो स्क्वायर है लगा है बाहर वाला, दोनों पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए। तो देखिए, इसको हम छोटे से छोटे फॉर्म में कर रहे हैं, तब जाके ये डायरेक्ट मान रखेंगे आ जाएगा। देखिए, अगर इसको करें तो ये आपका यक्स प्लस वाई का स्क्वायर इंटू यक्स माइनस वाई का ये स्क्वायर, ये इतने को यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को यक्स प्लस वाई और यक्स माइनस वाई लिख दिए और जो स्क्वायर था दोनों पे चढ़ा दीजिए और ये लगा दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे आप मान रखिए, पता चल जाएगा आपका। देखिए, यक्स बराबर क्या है, अंडर रूट ए प्लस 1/ अंडर रूट ए, अंडर रूट ए प्लस 1/ अंडर रूट ए, फिर प्लस ये वाला प्लस, फिर ये वाला मान रखिए अंडर रूट ए माइनस 1/ अंडर रूट ए, ठीक, एक कोष्टक में। और दूसरे कोष्टक में क्या है आपका, दूसरे कोष्टक में दोस्तों वही सेम, यहाँ पे वही मान रखिए, सिर्फ यहाँ बीच में माइनस है, तो अंडर रूट ए प्लस 1/ अंडर रूट ए माइनस का साइन लग गया, तो अंडर रूट ए प्लस 1/ अंडर रूट ए, ठीक। अब आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि y का वैल्यू तो यहाँ पे माइनस है, लेकिन यहाँ पे प्लस कैसे कर दिए, प्लस इस तरह किए दोस्तों कि अगर इसको हम कोष्टक में लेंगे बाहर, जब भी माइनस दिखे तो इसे कोष्टक में ले लेते हैं, जब कोष्टक तोड़ते हैं तो इधर दाहिने तरफ वाला प्लस माइनस में बदल जाता है, माइनस प्लस में बदल जाता है, कब बदलता है, जब कोष्टक के बाहर यहाँ पे माइनस रहे तब। तो वही हम डायरेक्ट यहाँ पे कर दिए हैं कि आपका जो है माइनस, ये था पहले से ये वाला माइनस था, इसको डायरेक्ट हम प्लस कर दिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस था। तो यहाँ से देखिए, आप काट दीजिए जो कट रहा है, 1/ अंडर रूट ए 1/ अंडर रूट ए प्लस 1/ अंडर रूट ए माइनस 1/ अंडर रूट ए कट गया, और यहाँ पे देखिए माइनस अंडर रूट ए और प्लस अंडर रूट ए कट गया, तो बचा क्या, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए 2 का अंडर रूट ए बचेगा ना। अब ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई लगा दीजिए, और यहाँ पे 1/ अंडर रूट ए प्लस 1/ अंडर रूट ए 2 अब अपान में अंडर रूट ए बचेगा, 2 अपान में अंडर रूट ए। अब देखिए,
ये अभी ये तो पूरा का स्क्वायर रहेगा। क्यों स्क्वायर रहेगा? क्योंकि ये दो दोस्तों स्क्वायर चढ़ा था दोनों पे, तो दोनों को एक में जब कर दिए थे ये यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। अब इससे ये कट गया, कट जाएगा। अब दो दूना चार, और चार का स्क्वायर करेंगे कितना, 16 आ गया। ठीक, थोड़ा सा तसल्ली लेके समय लेके समझाए हैं, लेकिन समझ में आया होगा। देखिए आपको ये SSC बाय द वे SSC सीजल का क्वेश्चन था, तो देखिए आप इसको डायरेक्ट पहले फॉर्म में तोड़ दीजिए, छोटा सूत्र बनाइए, फिर इसको इस तरह रखेंगे तब आ जाएगा। नहीं तो यहीं पे डायरेक्ट अगर इसका करेंगे 4 घात, फिर इसका करेंगे 4 घात, फिर माइनस करिए यहाँ पे रखेंगे, तो ज़्यादा लंबा प्रोसेस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जब इसको तोड़ के छोटे सूत्रों में ला दीजिए तो यहाँ पे रखेंगे, मान आसानी से आ जाएगा। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन दिया है, यक्स बराबर 997, वाई बराबर 998, जेड बराबर 999 हो तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस यक्स वाई माइनस जेड एक्स और माइनस अरे माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर आपसे पूछा है यहाँ पे। तो देखिए ये दिखने में मान बड़ा दिख रहा है आपको, अगर सूत्र पता होगा तो आप आसानी से इसको लगा लेंगे। देखिए कैसे, आपको यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर क्या होता है, बराबर होता है दोस्तों ऐसे तो अगर डायरेक्ट आप इसका मान ऐसे क्वेश्चनों को देखेंगे तो डायरेक्ट इसका मान बताइएगा 3। डायरेक्ट इसका उत्तर अगर ऑप्शन में समय न रहे तो इसको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट इसका उत्तर लगा दीजिएगा 3। कैसे, क्योंकि ये हमेशा फिक्स रहता है इसका मान। देखिए अभी कैसे, देखिए इसका इतने का सूत्र बराबर होता है 1/2 कोष्टक में यक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस यक्स का स्क्वायर होता है। ये सूत्र होता है यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस यक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर होता है इतना। ठीक, अब जो है सीधे सीधे जो मान दिया है वही यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए कैसे, 1/2 कोष्टक में यक्स बराबर क्या दिया, 997, वाई बराबर 998। ठीक, तो यहाँ से हम घटाएंगे जो, तो यहाँ से देखिए मान लीजिए कि 997 माइनस 998 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड, तो 998 माइनस 999 प्लस स्क्वायर फिर प्लस जेड माइनस एक्स है, तो यहाँ पे जेड माइनस एक्स मतलब कितना, 999 माइनस 997 का स्क्वायर। अब देखिए 1/2 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा, 997 से 998 घटाएंगे क्या, माइनस 1 आएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे जब तो प्लस 1 ही में आएगा, पता है ना, माइनस 1 का स्क्वायर अगर, ये पावर जो होता है पावर अगर सम रहे तो ये अंदर वाली संख्या अगर माइनस में है तो प्लस में आ जाती है, अगर ये विषम है, सम विषम जानते हैं ना, 2 से कटने वाली संख्या है, अगर यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह रहे नंबर तो ये प्लस में हो जाएगा, अगर यहीं पर 3 के बाद जो है 5, 7, 9 इस तरह रहे तो ये माइनस में ही रहेगा। तो वही हमने यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 997 से 998 घटाएंगे माइनस 1 आएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 आएगा, और प्लस 1, अब फिर यहाँ पे देखिए 998 में से 999 घटाएंगे माइनस 1, और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1। ठीक, फिर यहाँ पे प्लस 999 में से 997 घटाएंगे कितना, 2 आएगा, यहाँ पे प्लस 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 4 आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। अब जोड़ लीजिए कितना आ गया, 4 × 2 = 6, 1/2 × 6 मतलब कितना आ गया, 2 × 3 = 6, 3 आंसर आया ना। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि ऐसे क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट इसका मान रख के, अरे इसका जब समय ना रहे वैसे लगाइएगा, ना समय रहे डायरेक्ट इसका उत्तर बताइएगा 3 होगा। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन तो देखे होंगे आप कई हजारों बार, क्वेश्चन ये आया हुआ एग्ज़ाम का है, जैसे 5a + 1/3a = 5 है, तो 9x² + 1/5
25x² बराबर आपसे पूछा है। देखिए, अगर आपको ये निकालना है तो 3a + 1/5 पता चल जाएगा। अगर इस तरह पता चल जाए तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9a² + 1/25a² प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिया है 5a + 1/3a दिया है, तो क्या करेंगे इसको इसको इस तरह बनाने के लिए, देखिए इसको इस तरह बनाने के लिए करेंगे 3/5 से दोनों तरफ गुणा करने पर ठीक। तो देखिए 5/3 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए 5a × 3/5 + 1/3a × 3/5 = 5 × 3/5 ठीक। देखिए ये जो मल्टीप्लाई हमने 3/5 का किया है, इसमें भी किया है, इसमें दोनों पक्षों का मतलब इधर भी किए हैं इधर, अगर इसमें दोनों तरफ किए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से कामन कर लेंगे फिर ये काटेंगे तो यही मान सेम प्राप्त होगा। देखिए ये 5 से ये 5 कट गया और ये 3 से ये 3 कट गया, तो बचा क्या आपका 3a + और यहाँ पे 1/5a = ये 5 से 5 कट गया तो 3 बच गया ठीक। तो 3a + 1/5a = 3 आ गया, ये प्राप्त हो गया कि नहीं। अब इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा दो वर्ग करने पर तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए इधर का और इधर का। तो देखिए a + b² क्या होता है, इसका स्क्वायर करेंगे 3a का तो 9a² + 1y, इसका स्क्वायर करेंगे 25a² + 2 * क्या होता है a * b होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3a × 1/5a = इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। अब देखिए ये a से ये a कट गया तो क्या प्राप्त हो गया, 9a² + 1/25a² = 3×6 और इसको उठा के इधर ला दीजिए तो 9 - 6/5 हो गया ठीक। ये 3×2 = 6 हो गया और 6/5 को इधर ला के करें तो ये माइनस में आ गया, तो यहाँ पे देखिए 9a² + 25a² = ये कितना 9×5 = 45, 45 में से 6 घटाया कितना 39 आया, 39/5 आ गया, यानी कि 9a² + 25a² = 39/5 आंसर आया इसका आ जाएगा ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। तो आपके सामने दो क्वेश्चन हैं, x = 3 + 2√2 तो पूछा है कि √x - 1/√x = और दूसरा क्वेश्चन दिया है यदि a + b + c = इतना तो a² + a² / b + c² / c² / ab = क्या होगा। तो देखिए इसको अंडर रूट में पूछा है लेकिन यहाँ पे अंडर रूट विदाउट अंडर रूट का मान दिया है, तो हम दोनों पक्षों का अंडर रूट निकाल लें, तो दोनों पक्षों का अंडर रूट करेंगे तो इधर का x किए हैं अंडर रूट तो इधर भी पूरा अंडर रूट ले लेंगे तो 3 + 2√2 हो गया। अब हम इसको जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ले ये मान आएगा नहीं, तो इसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे, इसको इस तरह मान रखेंगे तो आएगा लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा, तो इसको छोटा कर दीजिए। जब इस तरह रहे तो यहाँ पे देखिए ये जो अंदर वाला मान है इसका ऐसा दो गुणनखंड करते हैं कि गुणा करने पे ये प्राप्त हो जाए लेकिन जोड़ने पे ये प्राप्त हो जाए। हमने मेरी बात को यहाँ पे लेकिन दो होना चाहिए, यहाँ पे दो होना चाहिए, तो अंडर रूट के अंदर जो संख्या होती है इसका ऐसा दो गुणनखंड करते हैं कि गुणा करने पे ये प्राप्त हो लेकिन जोड़ने पे ये प्राप्त हो, तो क्या होगा, 2
और एक इसका मल्टीप्लाई होगा, दो और एक को जोड़ेंगे तो तीन प्राप्त होगा और दो और एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो दो ही प्राप्त होगा। बस आई समझ में? तो यहाँ पे देखिए, अब इन्हीं का अंडर रूट में ले लीजिए, यहाँ पे प्लस और प्लस लगा के दोनों को अंडर रूट में ले लीजिए, तो अंडर रूट एक्स बराबर यहाँ पे अंडर रूट टू प्लस इसका अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट वन का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, तो यहाँ से ले चाहे ना ले कोई मान में प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लस ले लिए। जब इतना बराबर इतना तो यहाँ पे ये दिया, फिर वन बाई अंडर रूट दिया है, तो वन बाई अंडर रूट का मान भी निकाल ले कितना। देखिए आपको पता होगा कि जब कोई संख्या जो है ऊपर से नीचे आती है तो उसके मान में प्रभाव होता है, जब नीचे से ऊपर जाती है तब भी प्रभाव पड़ता है, जब ऊपर से नीचे आती तब भी, यानी प्रभाव का मतलब प्लस माइनस में बदल जाता है, माइनस प्लस में बदल जाता है। तो अब इसको जो है अंडर रूट एक्स बराबर इतना था तो वन बाई अंडर रूट बराबर कितना हो जाएगा, अंडर इतना माइनस वन हो जाएगा, ये घात बदल जाएगी। इसको नीचे लाना चाहे तो ला देंगे डायरेक्ट इसको इतना, लेकिन हमें ऊपर चाहिए तो इसको उठा के ऊपर करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा, तो यही हम डायरेक्ट कर दिए, यहाँ पे साइन बदल दिए। ठीक, तो ये मान उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो दिया है आपका क्या, वो अंडर रूट एक्स माइनस वन बाई अंडर रूट एक्स पूछा है, तो यहाँ पे मान निकल के आया अंडर रूट एक्स बराबर टू अंडर रूट टू प्लस वन माइनस अंडर रूट टू प्लस वन कर देंगे। क्यों यहाँ पे प्लस का माइनस को प्लस किया है, क्योंकि बाहर यहाँ पे माइनस है। अब इसको कोष्ठक में लेके एक बार फिर इसको कोष्ठक हटाए तब फिर बदले, इसे डायरेक्ट समझ लीजिए कि जब भी कोष्ठक के बाहर माइनस रहे तो अंदर वाली साइन बदल जाती है। तो यहाँ पे बदल गए माइनस अंडर रूट और प्लस अंडर रूट कट गया, तो यहाँ पे वन प्लस वन कितना हो गया, टू आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, तो इस तरह आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। ये समझिए कि इसका ऐसा गुणनखंड करते हैं कि गुणा करने पे ये अंडर रूट वाली संख्या प्राप्त हो जाए और जोड़ने पे ये प्राप्त हो, और यहाँ पे अंडर अरे टू होना चाहिए, चाहे जितने से बड़े नंबर हो उससे मतलब नहीं। जैसे यहाँ पे अगर सात रहे और यहाँ पे 21 रहे तो गुणा करने पे यानी 21 प्राप्त हो और जोड़ने पे कितना, सात प्राप्त हो, तो ऐसे ऐसे इसको मैनेज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये समझ गए। अब ये देखिए, अब आपका अगला ये क्वेश्चन है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो इतना क्या। आपको एक चीज़ पता होगा सूत्र में कि नहीं पता, जानिए, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर थ्री ए बी सी होता है। ये सूत्र में जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होता है तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर थ्री ए बी सी होता है। यहाँ पे डायरेक्ट मान रख के आप लगा सकते हैं। यहाँ पे क्यों बताएं, अभी इसका मान का प्रयोग पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अगर हम बताएं इसको, वीडियो रोक के लिख लीजिएगा इसको, यहाँ पे अगर हम इसको बताएं, यहाँ पे इसको हटा दीजिए, हमने कहा था a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जीरो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर आपका थ्री ए बी सी होगा। क्यों, आप देखिए इतना बराबर इतना दिया तो इतना का मान पूछा है, तो ये इसका एलसीएम ले लीजिए नीचे वाला है का, तो ए बी सी आएगा एलसीएम। जब यहाँ से देखिए बी सी है, अब बी सी यहाँ से कट गया तो यानी ए का मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ, ए स्क्वायर में ए का मल्टीप्लाई होगा ए क्यूब होगा, प्लस यहाँ से सी ए कट जाएगा यानी कि ये कट गया तो यहाँ पे बी का मल्टीप्लाई होगा तो बी क्यूब होगा, फिर यहाँ से ए बी कट गया तो सी जाके डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो ये सी क्यूब होगा। अब आपको हमने आपको बताया जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है, थ्री ए बी सी होता है। ऊपर का मान इतना इतने बराबर इतना होता है तो हम मान रख सकते हैं, तो यहाँ पे नीचे ए बी सी है, ए बी से ए बी सी कट गया तो बचा क्या, आंसर आया क्या, थ्री आ गया। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी वीडियो लगी इसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।